नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन आईएएस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आगामी पेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीएजुकेशन टीम के द्वारा एक 40 दिवसीय विजेता बैच शुरू किया गया है, जिसमें हम संपूर्ण सिलेबस को इन 40 दिनों में खत्म करेंगे। तो यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कल के लेक्चर में चर्चा की थी। कुल तीन सूत्रों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। पहला सूत्र था प्रतिशत वृद्धि का, दूसरा प्रतिशत कमी का, और एक सूत्र और था। तो आज हम उन सूत्रों को एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी, और कहाँ कहाँ उनका प्रयोग किया जा सकता है उसको भी देख लेते हैं, जिससे यदि एग्जाम में प्रश्न आए तो उसको हम कम समय में हल कर सकें। हमारा पहला सूत्र था प्रतिशत वृद्धि का। पहला सूत्र हमारा था प्रतिशत वृद्धि था वृद्धि का, जो था यक्ष अपान 100 माइनस यक्स गुणे 100। ठीक है, प्रतिशत। दूसरा हमारा फार्मूला था, दूसरा सूत्र था प्रतिशत कमी का। ठीक है, ये था यक्स अपान 100 प्लस यक्स गुणे 100%। ठीक है, ये दोनों फार्मूले थे। हमने आपको ये बताया था कि आप इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के समय ये भूल जाता है कि कहाँ यक्स अपान 100 माइनस एक्स था और कहाँ यक्स अपान 100 प्लस एक्स था। तो उसके लिए ये है कि वृद्धि का मान मतलब होता है, जहाँ जैसे कोई चीज़ वृद्धि कही जाती है, कहने मतलब बड़ा मान। ठीक है, बड़ा मान कब आएगा? जब नीचे की वैल्यू छोटी होगी। जैसे यदि 10 को हम 2 से भाग देते हैं, 2 क्या है? छोटा मान है। कंपेरिजन 2 से भाग देते हैं तो हमारा मान आता है 5। यदि 10 को 5 से भाग देते हैं, ठीक है, 5 क्या है? 2 के कंपेरिजन में बड़ा है, तो हमारा मान आता है 2। तो वृद्धि कब होगी? जब नीचे का मान छोटा होगा। तो जब प्रतिशत वृद्धि पूछी जाए तो यक्ष से हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, यक्ष को हम घटा देंगे। ठीक है, और जब प्रतिशत कमी पूछा जाए तो 100 में हम यक्ष को जोड़ देंगे। आप इस प्रकार इन दोनों फार्मूलों को याद कर सकते हैं। अगला हमारा क्या था? अगला हमारा फार्मूला था प्लस माइनस ए इजिकल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। ठीक है, प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। यहाँ प्लस माइनस लिखने का मतलब यह है, यदि उस वैल्यू में वृद्धि हो रही तो प्लस के चिन्ह के साथ हम मान लिखते हैं, यदि उसमें कमी हो रही तो माइनस के चिन्ह के साथ हम उसका मान लिखते हैं। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले थे। ठीक है, ये तीन फार्मूले थे हमारे। पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा ये। अब हम ये देख लेते हैं कहाँ किस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। जब कभी कोई मान साइक्लिक हो, जैसे प्रश्न पूछा जाए कि राम की आय श्याम की आय से यक्स प्रतिशत अधिक है, तो ठीक है, तो श्याम श्याम की आय से राम की आय यक्स प्रतिशत अधिक है, प्लस यक्स प्रतिशत हमने कर दिया। तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? यहाँ पूछा जाए कितने प्रतिशत कम है, तो ये क्या एक साइक्लिक मान है? जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे आके हम खत्म हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला लगाएंगे। और कहाँ लगा सकते हैं? जैसे कहा जाए कि यदि जैसे फार्मूला होता है खर्च बराबर, ठीक है, खर्च बराबर हमारा होता है, खर्च बराबर होता है मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य कितना है और उसकी खपत कितनी है, खपत कितनी है, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो हमारा खर्च आ जाता है। मान लेते किसी क्वेश्चन में कहा गया कि खर्च जो है वो नहीं बदलेगा, ठीक है, खर्च क्या है, कांस्टेंट है, और बस का मूल्य बढ़ रहा है। मान लेते हैं कि आपको रोज 100 रुपये दिया जाता था सब्जी लेने के लिए, और आज भी आपको 100 रुपये ही मिला है, आपको 100 में सब्जी लेनी है, लेकिन पता चला टमाटर 20 रुपये किलो से वो 60 रुपये किलो हो गया। ठीक है, 20 रुपये किलो से वो 60 रुपये किलो हो गया, तो कहने का मतलब आज आप टमाटर कम लेके आएंगे। ठीक है, टमाटर जितना आप लाते थे उससे कम ले आएंगे, क्योंकि खर्चा तो 100 ही करना है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे एक वैल्यू कांस्टेंट हो, ठीक है, एक वैल्यू कांस्टेंट हो, वहाँ पे हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई खेत का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये होता है। और यदि क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल नहीं बदलना है और उसकी लंबाई हमें बढ़ानी है या घटानी है, तो लंबाई बढ़ाएंगे तो चौड़ाई को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अच्छा, या लंबाई घटाते तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा,
बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे क्षेत्रफल कांस्टेंट हो और लंबाई बढ़ रही हो, तो वहाँ पर भी हम प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का फार्मूला लगा सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी फार्मूले होते हैं आप इनको लगा सकते हैं। लेकिन यदि कभी प्रश्न में ये कहा जाए कि मूल्य बढ़ रहा है, ठीक है, मूल्य जो है बढ़ रहा है, एक मिनट पेन का टिप चेंज कर लेते हैं, यदि कहा जाए वस्तु का जो मूल्य है, मूल्य ये बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ रहा है जिससे खर्चा भी बढ़ रहा है, ठीक है, और अब क्या होगा, मूल्य बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, क्या खपत भी चेंज हो रहा है, जब तीनों में परिवर्तन हो, खर्च में भी परिवर्तन हो, मूल्य में भी परिवर्तन हो, खपत में भी परिवर्तन हो, अर्थात तीनों में परिवर्तन हो, तो इस फार्मूले का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। इस फार्मूले से हमारा प्रश्न हल नहीं होगा, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि वाले से हमारा प्रश्न हल नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि क्षेत्रफल में परिवर्तन हो, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन हो, ठीक है, लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई मान लो कुछ बढ़ रही है या घट रही है, और क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो जाए, तो भी हम प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी का फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। हमें इसी फार्मूले के आधार पर अपने प्रश्न को हल करना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के सभी प्रश्न हैं, जब उनको हल करेंगे तो ये सभी फार्मूले हमारे सामने आएंगे और हमारा रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। मूल्य क्या हो रहा है, मूल्य 25% बढ़ रहा है, प्लस 25% हमने लिख दिया, जिससे उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय जो है, व्यय कहे चाहे खर्चा कहें, ये भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, कितना, 20%, प्लस 20% बढ़ रहा है। मूल्य बढ़ा 25%, खर्चा बढ़ा या व्यय बढ़ा 20%। तो कह रहा है यदि प्रारंभ में उस वस्तु की खपत 50 किलोग्राम थी, ये बता रहा है कि प्रारंभ में खपत कितनी थी, 50 केजी थी, तो अब बताइए उस वस्तु की खपत कितनी है। तो खपत के बारे में यहाँ कुछ दिया नहीं गया है, तो खपत को आप सबसे पहले प्रतिशत में मान लीजिए कि कितना प्रतिशत कम हुआ या कितना प्रतिशत बढ़ा, ये निकाल लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर हम 50 किलोग्राम से उतना प्रतिशत जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो खपत को मान लेते हैं कि हम वाई प्रतिशत खपत में वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है। अब हम फार्मूले, यहाँ तीनों में परिवर्तन हो रहा है, व्यय में भी परिवर्तन हो रहा है, मूल्य में और खपत में, तीनों में परिवर्तन हो रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का फार्मूला नहीं लगेगा। अब लगाएंगे हम लोग प्लस माइनस ए इजिकल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। ए क्या है, हमारा व्यय है, एक्स क्या है, मूल्य है, वाई क्या है, खपत है, सबका मान रखते जाते हैं। ये व्यय क्या है, प्लस में 20%, प्लस 20 रख दिए, ठीक है, बराबर। मूल्य क्या है, प्लस 25, तो प्लस का 25 रख दिए। खपत क्या है, हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं प्लस का वाई रख देते हैं, हम प्लस ही रखेंगे, यदि घटेगा तो हमारा मान क्या होगा, माइनस में आएगा, ठीक है। और इसके बाद प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस का गुणा जो होता है वो प्लस ही होता है, तो यक्स 25 गुणे वाई प्लस 25 गुणे वाई 2200, ये हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 25 को इधर ले आएंगे, तो प्लस का 25 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आंसर यहाँ आ जाएगा माइनस का 5, बराबर क्या होगा, वाई 25 से काटेंगे, 25 एक बार जाएगा, ये क्या जाएगा, 4 बार, 25 चौके 100, तो वाई प्लस वाई बाई 4, यहाँ एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 4, एक जाएगा 4 बार, 4 वाई प्लस 4 के 4 प्लस वाई, ठीक है, ये हुआ। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे क्या करेंगे हम, माइनस 5 इजिकल टू 5y, 4y प्लस y जोड़ेंगे, 5y बाई 4, 5 से 5 कटेगा, y बराबर आपका आ जाएगा माइनस 4%, ठीक है। कहने का मतलब जो खपत था वो पहले से 4% कम हो गया, पहले खपत कितना था 50 किलोग्राम, अब 4% कम कर देना है, 50 माइनस 50 का 4%, 50 बुढ़े 4 बटा 100, इसको हल करेंगे, 50 जाएगा एक बार, ये जाएगा दो बार, दो से काटेंगे, ये जाएगा दो बार, तो 50 माइनस 2 बराबर आ जाएगा 48 किलोग्राम।
अब खर्चा कितना हो गया, अब खपत कितनी हो गई, ठीक है, खर्चा नहीं खपत, अब खपत कितनी हो गई 48 किलोग्राम हो गई, ठीक है 48 किलोग्राम हो गई। तो इस प्रश्न को हमने ये पूरा डिटेल मेथड से लगाया, आप इसमें जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके कुछ स्टेप को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, एक मिनट, ये प्रश्न है टाइप 5। चीनी का मूल्य 20 रुपया प्रति किलोग्राम से कम होकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20 रुपया प्रति किलोग्राम से कम होकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, यदि चीनी पर होने वाला मासिक व्यय अपरिवर्तित हो, ठीक है, अगर मासिक व्यय ना बढ़े तो ज्ञात कीजिए उस वास्तविक खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर गई, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है, मासिक व्यय में परिवर्तन हो नहीं रहा है, ठीक है, तो हम प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन एक बात ये है कि यहाँ पे जो मूल्य दिया गया है वो प्रतिशत वृद्धि ना देकर, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ना देकर उसने वैल्यू दे दी गई कि 20 रुपया प्रति किलोग्राम पहले रेट था, 20 रुपया प्रति किलोग्राम पहले रेट था, अब रेट बढ़ के घट के क्या हो गया 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। अब इसको सबसे पहले हमारा काम है कि इसे प्रतिशत कमी में बदल दें, ठीक है, इसे प्रतिशत कमी में बदल दें। तो कल हमने बताया था प्रतिशत कमी निकालने के पहले हमें कमी कितनी है ये पता कर लें, कितनी कमी है निकालने के लिए 20 से हम 15 घटा देंगे तो पता चल जाएगा 5 रुपये की कमी आई है, कमी हमारा कितना हो गया 5 रुपये का, 5 रुपये की क्या होगी कमी हो गई। तो प्रतिशत कमी 5 बटा किस से कम हो रहा है, जिससे कम हो रहा है उसको हम नीचे रखेंगे, 20 रुपये से कम हो रहा है तो 20 गुणे 100, 5 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मूल्य में 25% की कमी हो रही है, ठीक है, -25% हो रहा है। और क्या कह रहा है कि उसका जो व्यय है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यहाँ परिवर्तन क्या है जीरो है, तो खपत में परिवर्तन पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि वाला फार्मूला लगा दीजिए। प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है हमारा, यक्स अपान 100 माइनस यक्स गुड़े 100, यक्स का मान हमने निकाला कितना 25 अपान 100 माइनस 25 गुड़े 100, 25 ये हो जाएगा 125, 25 को काटेंगे 125 को तो जाएगा कितना बार 5 बार, 5 से काटेंगे जाएगा 20 बार। तो आंसर क्या हो गया हमारे खपत में 20% की क्या हो जाएगी वृद्धि, 20% की क्या हो जाएगी वृद्धि, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमने देखा कि जब व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल मूल्य बढ़ रहा है और खपत के बारे में पूछ रहा है, तो हमने प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला लगाकर इसको हल किया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि गेहूं का मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, यहाँ गेहूं का मूल्य बढ़ रहा है, यहाँ भी वैल्यू क्या दी है रुपये में दी है, प्रतिशत में वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, प्रतिशत में वैल्यू नहीं दिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को प्रतिशत में चेंज करना पड़ेगा। मूल्य क्या था पहले 12 रुपये प्रति किलोग्राम था, अब बढ़ के कितना हो गया 15 रुपये प्रति किलोग्राम, कितने की वृद्धि हुई 3 रुपये की, कितने की हुई 3 रुपये की, किससे हुई 12 रुपये से, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर 3 और किससे हुई 12 से, 3/12 गुणे 100, 3 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 25, ठीक है 25 बार जाएगा। तो आ गया हमारा मूल्य में क्या हो रहा है, मूल्य जो हमारा है यह 25% बढ़ रहा है, ठीक है, मूल्य 25% बढ़ रहा है। और कह रहा है परंतु गेहूं का जो मासिक व्यय है, व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, व्यय में कोई परिवर्तन नहीं है, तो जो खपत है
उसमें कितनी वृद्धि या कमी होगी यही पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम प्रतिशत वृद्धि या कमी का फार्मूला लगाएंगे। जब मूल्य बढ़ रहा है, व्यय नहीं चेंज हो रहा है, तो कहने का मतलब खपत क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, तो प्रतिशत कमी का फार्मूला हम लगाते हैं। प्रतिशत कमी बराबर हमारा हो जाएगा यक्स अपान 100। कमी पूछ रहा है तो नीचे का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, प्लस यक्स गुड़े 100। इसको हल करेंगे तो आएगा 25/125, ठीक है, गुड़े 100। 25 से काटेंगे जाएगा 5 बार, 5 से काटेंगे ये जाएगा 20 बार। तो कहने का मतलब खपत में क्या हुआ, 20% की कमी आ गई। ठीक है, खपत में क्या हुआ, 20% की माइनस 20%, 20% की कमी आ गई। लेकिन प्रश्न में ये प्रतिशत कमी नहीं पूछा है, प्रश्न में पूछा यदि प्रारंभ में गेहूं की खपत 200 किलोग्राम रही हो तो गेहूं की वर्तमान खपत कितनी है। ठीक है, तो प्रारंभ में यदि 200 किलोग्राम था खपत, अब 20% कम हो गया है, तो 200 में से 200 का 20% घटा देंगे, 200 गुणे 20 बटा 100 हम घटा देंगे, जीरो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो काट देंगे, 20 का 2 में गुणा करेंगे आ जाएगा 40, 200 माइनस 40, ठीक है, बराबर आ जाएगा 160 किलोग्राम। ठीक है, पहले खपत कितनी थी 200 किलोग्राम, लेकिन दाम बढ़ जाने के बाद अब खपत कितनी हो गई, 160 किलोग्राम, क्योंकि खर्चा बढ़ा नहीं है। ठीक है, ये उसी भी प्रकार का प्रश्न है जिस प्रकार के हमने फार्मूले देखे थे। अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चावल का मूल्य 30 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर 24 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। ठीक, और चावल पर होने वाला मासिक व्यय पहले से 20% वृद्धि कर गया। अब यहाँ पे देखिए मासिक व्यय भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और प्रारंभ में चावल की खपत 50 किलोग्राम हो तो ज्ञात कीजिए अब चावल की खपत कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैल्यू पैसे में दी गई है, कमी पैसे में दी गई है, उसको हम प्रतिशत में चेंज कर लेते हैं। चावल का जो मूल्य था वो पहले था कितना, 30 रुपया प्रति किलोग्राम, अब घट के कितना हो गया, 24 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब मूल्य में कमी कितनी हुई, 6 रुपए की, प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी, तो 6 कहाँ से कमी हुई है, 30 रुपए से गुणे 100। इस तरीके से आप निकालेंगे, 6 × 5 = 30, 5 से इसको काटेंगे आ जाएगा 20। मतलब मूल्य में कमी हुई कितने की, 20% की कमी हो गई मूल्य में। ठीक है, मूल्य 20% घट गया। अब कह रहा है यदि चावल पर होने वाला मासिक व्यय पहले से 20% बढ़ जाए। अब व्यय क्या है, व्यय जो इधर होता है ये भी क्या किया, 20% बढ़ गया। ठीक है, 20% क्या हुआ, बढ़ गया। तो कह रहा है और प्रारंभ में चावल की खपत, यहाँ दो बार लिख दिया गया है, एक नहीं रहेगा, चावल की खपत 50 किलोग्राम थी। ठीक है, प्रारंभ में क्या थी, चावल की खपत जो थी वो 50 किलोग्राम थी। अब बताइए कि अब चावल की खपत कितनी है। ठीक है, अब चावल की खपत कितनी है, गुड़े खपत, अब ये दिया है किलोग्राम में 50 किलोग्राम, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस ए वाला फार्मूला ले आएंगे, प्लस माइनस ए इजिकल टू प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स वाई बाई 100। तो प्लस माइनस एक्स, ए का मान क्या है, प्लस 20। ठीक है, प्लस 20 बराबर मूल्य क्या है, प्लस माइनस 20, माइनस 20 खपत का हमें पता नहीं बढ़ा है कि घटा है, तो प्लस वाई हम रख लेते हैं, यदि मान माइनस में आ गया तो पता चलेगा घटा है नहीं बढ़ा है, तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 20 और गुणे वाई 2200। अब इसको हल करेंगे, माइनस का 20 है इधर आएगा बराबर के, तो प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40 बराबर वाई, 20 से 100 को काटेंगे 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा तो माइनस वाई माइनस वाई वाई 5। ठीक है, वाई वाई 5, इसको एलसीएम यहाँ लेंगे 5 आ जाएगा, ये जाएगा 5 वाई माइनस वाई,
तो अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं तो 40 बराबर हो जाएगा, पाँच में से वाई, पाँच वाई से वाई जाएगा तो 4y/5, 4 से काटेंगे जाएगा 10 बार, और वाई बराबर हो जाएगा आपका, वाई बराबर हो जाएगा आपका 40 10 50%। यहाँ मान आया है प्लस में, ठीक है, मतलब प्लस में है तो कहने मतलब खपत में 50% की वृद्धि हो रही है। पहले खपत कितनी थी? 50 किलोग्राम। पहले 50 किलोग्राम कितनी थी? खपत थी। अब उसमें 50% और बढ़ाना है तो 50 प्लस 50 का 50%, 50/100 कर दीजिए। इसको काट के 1 0 2 0 काटेंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे, 5 × 5 करेंगे हो जाएगा हमारा 25। तो 50 में अगर अब हम 5 25 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 75 किलोग्राम। तो प्रारंभ में खपत 50 किलोग्राम थी, और जब और अब बाद में खपत कितनी हो गई? 75 किलोग्राम हो गई। ठीक है, यदि आपको ये प्रश्न समझ में ना आए तो एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ इस प्रश्न में क्या था, यहाँ पे व्यय भी परिवर्तित हो रहा था। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी का फार्मूला ना लग के इस फार्मूले के आधार पर हम प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि यदि प्रश्न का लैंग्वेज चेंज होता है तो भी आप प्रश्न को पढ़ के हल कर सकें। ठीक है, क्योंकि समय रहेगा और हल करने का अगर तरीका आपको मालूम है तो आप उसे हल कर सकेंगे, इसलिए थोड़ा प्रश्न को डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न हमारा है, उससे पहले एक सूचना है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 53% अंक प्राप्त होते हैं और उसे पासिंग मार्क से 52 अंक अधिक मिलते हैं, ठीक है, तो दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने डाले हैं। ठीक है, तो ज्ञात करना है क्या क्या, कि उस परीक्षा का पूरा अंक कितना, मतलब पूर्णांक कितना है, उस परीक्षा का न्यूनतम पासिंग मार्क कितना है, और उस परीक्षा का न्यूनतम पासिंग मार्क का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तीनों पूछे गए, तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है, इसकी ट्रिक भी होते हैं लेकिन ट्रिक याद कितना करोगे, तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसे आप प्रैक्टिस के जाइए। कहा गया कि एक विद्यार्थी को 53% अंक मिलते हैं, 53% अंक मिलते हैं, लेकिन क्या होता है, उसे पासिंग मार्क, जितना न्यूनतम पासिंग मार्क था उससे 52 अंक और मिल जाते हैं। तो यदि इसमें से हम 52 को घटा दें तो हमें न्यूनतम पासिंग मार्क पता चल जाएगा। ठीक है, अगला आगे पढ़ते हैं, दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त होते हैं, दूसरे को क्या मिलता है, 35%, लेकिन वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो इस 35% में यदि हम 20 नंबर जोड़ दें तो ये भी पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब इस समय ये 53% - 52 और 35% + 20 बराबर है। अब प्रतिशत को एक साइड ले आइए और अंक को एक साइड ले जाइए, तो 53% से इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -35% बराबर 20, ये माइनस का था, इधर आएगा प्लस का, हो जाएगा 20 + 52। ठीक है, अब 53% से 35 घटाएंगे, 13 में से 5 जाएगा आ जाएगा हमारा 8, और 4 से 1 जाए 3 जाएगा आ जाएगा हमारा 1, 18% बराबर हमारा आ जाएगा 2, और 5 × 2 = 7, 72 नंबर। ठीक है, 18% बराबर 72 नंबर, तो 1% बराबर क्या होता है, 1% बराबर हो जाएगा 72/18, तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर हो जाएगा 72/18 × 100, इसको हल करेंगे, 18 × 18 = 72, तो बराबर आ जाएगा आपका 400 नंबर। तो पहला प्रश्न हमारा हल हो गया कि उस परीक्षा का पूरा अंक कितना है, कितना है, 400 नंबर के। दूसरा पूछा है उस परीक्षा का न्यूनतम पासिंग मार्क कितना है, तो न्यूनतम पासिंग मार्क ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग चाहे करें चाहे इसका, दोनों से आ जाएगा,
400 नंबर का 53% पहले निकाल लें, मान लें इससे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो 400 नंबर जो है 400 का 53% गुणे 53/100, और अगर इसमें से 52 नंबर घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, न्यूनतम पासिंग मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 काट दिए हमने। ठीक है, अब 4 का गुणा 53 में करेंगे तो 4 3 12 और 4 5 20 21 212 -52 कर दीजिए, 2 से 2 जाएगा आ जाएगा आपका 0, 11 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 6 और 1 उतर जाएगा सीधे। तो कहने का मतलब जो उस परीक्षा का न्यूनतम पासिंग मार्क जो है वो कितना है, 160 नंबर। ठीक है, ये मान हम इससे भी निकाल सकते थे, 35% + 20 हम 400 का 35% निकालते, उसमें 20 नंबर जोड़ देते तो भी 160 ही आता। अगला है कि उस परीक्षा का न्यूनतम पासिंग मार्क कितना है। ठीक है, न्यूनतम पासिंग मार्क पूछा है, तो पासिंग मार्क प्रतिशत पूछा है, तो न्यूनतम पासिंग अंक हमें पता चल गया 160 नंबर। तो अब प्रतिशत पूछा है कि 160 नंबर जो है वो 400 का कितना प्रतिशत है। मान लो मैं किसी एग्जाम में 400 नंबर का एग्जाम था, मैं 160 नंबर पाया हूँ तो मैं कितने प्रतिशत पाया हूँ, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 160 को ऊपर रखते हैं और जितना पूर्णांक होता है उसको नीचे रख देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से हमने इसको काटा, दोनों जीरो, ये दोनों जीरो कट गए, 4 से फिर काटा, 4 4 16 और 0, 40% क्या है उसका, न्यूनतम पासिंग मार्क प्रतिशत है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने साधारण विषय से ही तीनों प्रश्नों को हल कर लिया। ठीक है, तो इस पर कुछ करना कुछ नहीं है, जैसा जैसा प्रश्न कहे वैसा वैसा आप करते जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त है। ठीक है, परीक्षा में एक विद्यार्थी को कितना मिला, 60% अंक मिला, और उसे पासिंग मार्क से 125 अंक अधिक मिले। ठीक है, उसे क्या मिलता है, पासिंग मार्क से 125 नंबर अधिक मिलता है, तो यदि 60% से हम 125 नंबर घटा दें तो हमें पासिंग मार्क पता चल जाएगा। ठीक, यहाँ तक सही है। आगे लिखा, दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त होता है। दूसरे को क्या मिलता है, 45%, और उसे पासिंग मार्क से 50 नंबर अधिक मिलता है, तो इसको क्या मिला, 50 नंबर अधिक। तो इस 45% से यदि हम 50 नंबर घटा दें, 50 नंबर घटा दें तो पासिंग मार्क हमें मिल जाएगा। अब कहने का मतलब ये कि ये वैल्यू क्या है, बराबर हो गई, 60% से 125 घटाए पासिंग मार्क आया, 45% में से 50 नंबर घटाए तो ये भी पासिंग मार्क आया, दोनों पासिंग मार्क दोनों बराबर हो गए। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, 45 मतलब जो प्रतिशत है उसको एक साइड लाएंगे, नंबर को एक साइड, तो 60% ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, -45% बराबर माइनस का 50, ये माइनस का 125 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो +125। इसको हल करेंगे, 60 से 45 जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और 5 से 4 जाएगा, आ जाएगा 1, 15% बराबर आ जाएगा हमारा, यह माइनस का 50 से प्लस का 125 से जब घटाएंगे तो आ जाएगा 5, 12 में से 5 के 7, 15% बराबर 75 नंबर, तो 1% बराबर 75/15, तो 100% बराबर 75/15 गुणे 100। ठीक है, 75 से काटेंगे, 15 से काटेंगे, 15 चौका 60 25 75, और इसको 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% बराबर हमारा आ जाएगा 500 नंबर। ठीक है, 500 नंबर आ गए, ये क्या आया, पूर्णांक आया, ये क्या आया है, पूर्णांक आया है। ठीक, अब प्रश्न पूछा क्या है कि ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का न्यूनतम पासिंग मार्क प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले हम न्यूनतम पासिंग मार्क ज्ञात कर लें। ठीक है, तो 500 नंबर का पेपर था जिसमें से न्यूनतम पासिंग मार्क प्रतिशत पूछा है, तो चाहे इससे हम निकालें चाहे इससे निकालें, हम अगर 60% वाले से निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, 500 का 60% निकाल लेंगे। 500 का 60% कितना होता है, 500 × 60/100। ठीक है, काटेंगे, दोनों जीरो कट गए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 5
300 नंबर हो जाएगा 60%। अब इस 60% आया है उसमें से अगर 125 घटा दें हम, ठीक है 125 घटा दें तो हमारा आ जाएगा न्यूनतम पासिंग मार्क। ठीक है घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 9 आ गया, 9 से 2 घटाएंगे आ जाएगा 7, 2 से घटाएंगे 175। 175 क्या है, 175 क्या है, न्यूनतम पासिंग मार्क है 500 में। तो प्रतिशत अगर पूछा जाए न्यूनतम पासिंग मार्क प्रतिशत कितना है, तो क्या करेंगे 175 बटा 500 करेंगे, ठीक है गुणे 100 करेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 × 15 और 2 बचेगा 5 × 25। 35% क्या है, इस परीक्षा का न्यूनतम पासिंग मार्क प्रतिशत है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये दो प्रश्नों को हल कर लिया, ठीक है। एक प्रश्न और देखते हैं इसी पर आधारित, ठीक है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 292 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है 292 अंक प्राप्त होते हैं और वह 28 अंकों से फेल हो जाता है। एक परीक्षार्थी है जिसे 292 अंक प्राप्त होते हैं लेकिन वह क्या करता है 28 नंबर से फेल हो जाता है, 28 नंबर से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। यदि इस परीक्षा का न्यूनतम पासिंग मार्क प्रतिशत 40% है तो ज्ञात कीजिए विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो कहने का मतलब यह है कि यदि परीक्षार्थी 292 नंबर पाया था, 28 नंबर से फेल हुआ था, यदि इसमें 28 हम जोड़ दें तो पास हो जाएगा, मतलब न्यूनतम पासिंग मार्क हमें पता चल जाएगा। तो 8, 2, 10, 9, 2, 11, 1, 12, 2, 1, 3। तो कहने का मतलब ये हो गया 320 नंबर क्या है न्यूनतम पासिंग मार्क है, जो दिया है कितने 40% के बराबर, ठीक है 40% के बराबर क्या है 320 नंबर। तो 40% बराबर क्या हो गया, इसमें पूछा क्या है, एक मिनट, हाँ इसमें पूछा है कि ज्ञात कीजिए उस विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, मतलब विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमें देख दिया गया 40% बराबर मिल गया हमें 320 नंबर, ठीक है 320 नंबर, 320 नंबर बराबर अगर होता है 40% तो 292 नंबर बराबर कितना होगा, तो 40 बटा 320 गुणे 292, ठीक है। इसको हल करेंगे, 4 से काटेंगे, 0 0 कट गया, 4 × 4 = 32, 8 से इसको काटेंगे, 8 × 3 = 24, ठीक है 8 × 3 हो गया 24, ये 5 2, 8 × 5 = 4, अच्छा 8 × 7 = 56। अगला जाएगा 8 जाएगा लगभग 8 × 6 = 48, ये 52 था तो बचा कितना 4, तो पॉइंट लगाएंगे तो 4 हो जाएगा 40, 8 × 5 = 40। तो उस विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो 36.5%, ठीक है उस विद्यार्थी को कितने अंक मिले, कुल 36.5% अंक मिले, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त होता है। तो मैंने कोशिश ये की कि जितने इस प्रकार के प्रश्न बने उन सबको समाहित कर लूँ, ठीक है जिससे अगर परीक्षा में कोई भी प्रश्न आता तो आप उसको हल कर सकें। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त होता है, उस विद्यार्थी को 312 अंक प्राप्त हुआ, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिशत में भी नंबर दिया है, कितना प्रतिशत मिला 52% उस विद्यार्थी को नंबर मिला, और अंकों में मिला कितना 312 नंबर, जबकि दूसरे विद्यार्थी को 366 नंबर प्राप्त होता है, तो दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। कहने का मतलब ये है कि एक विद्यार्थी को 312 नंबर मिले जो कि 52% के बराबर था, दूसरे को मिले 366 नंबर, ये कितने प्रतिशत के बराबर है। यदि 312 नंबर बराबर 52% 366 नंबर बराबर हो जाएगा 52 बटा 312 गुणे 366। इसी को जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 52 से काटेंगे तो 52 जाएगा लगभग ये 5 × 6 = 30, 6 बार जाएगा, ठीक है 6 बार जाएगा, 6 से इसको काटेंगे, 6 × 6 = 36, 61%। तो दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक मिले, 61% अंक मिले। तो मेरे कहने का मतलब यह है यदि आपको प्रतिशत दिया हो,
ठीक है, या अंक दिया हो तो आप उससे प्रतिशत डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया था कि एक विद्यार्थी को 52% अंक मिलते हैं और उसे 312 नंबर मिलते हैं, दूसरे को 366 नंबर मिलते हैं, बताइए कि कितने प्रतिशत पाया। तो 312 नंबर बराबर 52%, तो 366 नंबर बराबर कितना हो जाएगा, 52/312 × 366 कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त होता है, यहाँ कहा गया कितना मिला उसको, 260 अंक मिल गया, ठीक है, जो पूर्णांक का 52% है, जो कि कितने बराबर है, 52% के बराबर है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 76% अंक मिलते हैं, दूसरे को कितना मिलता है, 76% मिलता है, तो पूछ रहा है तो ज्ञात कि दूसरे विद्यार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ, उसी का उल्टा प्रश्न है, कितना अंक प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यदि 52% बराबर दिया है 260 नंबर, तो 76% बराबर कितना हो जाएगा, 260/76 × 52, ठीक है, 52, तो इसको काटेंगे अगर हम तो ये जाएगा कितनी बार, 52 से काटो, एक मिनट गलत हो गया, यहाँ पे 76% बराबर हो जाएगा, 52% बराबर 260 नंबर, तो 76% बराबर 52/76, ठीक है, 52 से इसे काटेंगे, ये जाएगा 5/25, लगभग 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार जाएगा, ठीक है, 5/25, 2/5, 260 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 5/30, और 5/30 हुआ, 3 शेष आया, 5/35, 3/38, उसके बाद 3 फिर शेष आया, 5×2 = 10, 3×13 नहीं, यहाँ नहीं, हाँ, सीधे सीधे 38 पूरा उतर जाएगा, 380 नंबर, ठीक है, 76% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 380 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कुल मिला के लगभग 7-8 क्वेश्चन देखे, और सभी प्रश्न क्या थे, अलग अलग वैरायटी के थे। आप इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप अच्छे से अच्छा नंबर एग्जाम में प्राप्त कीजिए, क्योंकि मैं आपको साइकिल चलाना सिखा सकता हूँ, लेकिन हैंडल छोड़ के कैसे चलाना है ये आपको ही सीखना पड़ेगा, वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा। तो चलिए आज विदा लेते हैं, जय हिंद, जय भारत।